दूसरा आपका खेल शुरू हुआ है ये मैच जो कि खेला जा रहा है एसआई सोनीपत और भैंसवाल की टीमों के बीच। अगली दोनों टीम तैयार है कि जल्दी कोर्ट पे आ जाए एमटीयू और निजामपुर की टीम और उससे अगला मैच के खिलाड़ी पॉइंट मिला है ये भैंसवाल। इससे अगला मैच एमटीयू और निजामपुर का रहेगा, दोनों टीमें कोर्ट के पास आ जाएंगे जल्दी से जल्दी और दूसरे अगला मैच बहुत मिलेगा और नई दुनिया की टीम का रहेगा, वो दोनों टीमें तैयार रहेगी। अगले मैच के लिए दोनों टीम कोर्ट पे जल्दी से जल्दी कोर्ट करें एमटीयू और निजामपुर। टाइम आउट लिया गया साई सोनीपत द्वारा। आखिरी चार मिनट का खेल बचा है इस मैच में। एम्पायर सुखविंदर जी का ऐलान। आउट हुए खिलाड़ी, एक्सेप्ट किया उन्होंने, पॉइंट मिला ये साई सोनीपत को। भैंसवाल की तरफ से विशाल की रेड। एमडीयू और निजामपुर की टीम कोर्ट के पास रहे और उससे अगला मुकाबला मोहित नरवाल और एक दुनिया की टीम तैयार रही। रेडर आउट, पॉइंट मिला ये साई सोनीपत को। तीन मिनट का खेल बाकी है अब इस मैच में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, लगभग इस समय 10:15 का समय है और अब इसके आगे की रिकॉर्डिंग में नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रात बहुत ज्यादा है, यहां पर जाने का कोई साधन नहीं है। तो मैं इस मैच के बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा और मैं घर जा रहा हूं क्योंकि एक गांव है, जंगल एरिया है, यहां पर मैं रात को अकेला गाड़ी से भी बाहर नहीं निकल सकता। यहां से जो मेट्रो स्टेशन है सबसे पास वो 18-19 किलोमीटर है। जो रिंग रोड है यहां से 18-19 किलोमीटर है,
तो मैं नहीं समझता कि रात को यहाँ रुकने में कोई समझदारी है, तो इसलिए मैं रात को निकल रहा हूँ। अब इस मैच के बाद की मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया कमेंट बॉक्स में बार बार ना लिखें कि सेमीफाइनल मैच, फाइनल मैच और आगे के क्वार्टर फाइनल मैच अपलोड करें। मैं यहीं तक मैच का अब कवर कर पाऊंगा, क्योंकि 10:30 हो गए हैं, रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं अब घर जा रहा हूं। इसके बाद के मैच मैं अपलोड नहीं करूंगा, रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा तो अपलोड तो कैसे करूंगा। ट्रेडर आउट, पॉइंट मिला ये। आज भी मैं अपना बहुत जरूरी काम छोड़कर आया था ये मैच टूर्नामेंट कवर करने के लिए, लेकिन मैं कल मुझे बहुत बहुत जरूरी काम है, उस काम को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे रात को निकलना ही पड़ेगा। मैं आगे के मैच अब कवर नहीं कर पाऊंगा, इससे आगे के मैच जो इस टूर्नामेंट में होंगे उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये भी सत्य है कि इतनी रात तक कहीं पर कवरेज के लिए रुकने का कोई औचित्य नहीं है। रात को 2-3 बजे तक लग रहा है कि टूर्नामेंट चलेगा और मैं ये कल बहुत जरूरी काम है, 2-3 बजे तक मैं कवरेज कर लूं, अगर उसके बाद यहाँ से घर जाने का कोई साधन हो तो। लेकिन यहाँ पर कोई साधन नहीं है, अपनी गाड़ी से भी रिंग रोड पर पहुंचने के लिए 18-19 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से, अगले टूर्नामेंट में आपसे मुलाकात होगी, 2 पॉइंट मिले, आगे की रिकॉर्डिंग ना कर पाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि अगला टूर्नामेंट पूरा कवर करूंगा। इसी के साथ मैच खत्म हुआ, जिसको जीता साई सोनीपत ने मैच जीता है।